केंद्र सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया था कि भारत की 100 सिटीज को स्मार्ट बनाया जाएगा, उसी के तहत देश भर में जो मुख्य सिटीज हैं वहां पर उनको स्मार्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। और जम्मू में भी आने वाले समय में जो सौगातें हैं वो मिलने शुरू हो रही हैं। और सबसे पहली सौगात जो है वो किस्म से स्मार्ट वर्टिकल गार्डन, जिसे बहुत सारे जम्मू के लोग बनते हुए भी देख रहे थे, पर अभी फाइनली इसको जो है पब्लिक को हैंडओवर किया जा रहा है, इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। और हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर, वो इसकी इनॉग्रेशन थोड़ी देर में कर देंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा जी हैं। मैम, स्मार्ट सिटी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली आने वाले वक्त में, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये वर्टिकल स्मार्ट वर्टिकल गार्डन। ग्रीनरी भी का भी इसको साइन दे रहे हैं और जिस तरह से वाटर कर्टन्स हैं ये शहर की खूबसूरती को और सजाएगा। पूरा प्रोजेक्ट मैम किस तरह से ये तैयार हुआ है और अभी इसकी कुछ पॉकेट्स और अभी काम थोड़ा सा रह गया है, ओवरऑल ये कब तक पूरा हो जाएगा? मतलब नहीं, प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, अब कुछ मेंटेनेंस का काम है जो चलता रहेगा, बट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। इसमें 50 कॉलम्स हैं फ्लाईओवर के नीचे, 37,000 प्लांट पॉट्स आपने देखे, ड्रिप इरिगेशन से इनको पानी दिया जाता है, और जो वाटर कर्टन्स हैं उनसे बेसिकली जो फाउंटेंस वाटर कर्टन्स हैं उनसे जो डस्ट अर्बन एरियाज में डस्ट पोल्यूशन है तो ये मदद करते हैं डस्ट को सेटल डाउन करने के लिए। सो ये बेसिक फैक्ट्स हैं प्रोजेक्ट। मैम, और बहुत सारे अगर हम बात करें, जम्मू में आगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, इसके बाद आगे जम्मू को कौन से और प्रोजेक्ट हैं जो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे जिससे शहर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ेगी? शहर, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक खूबसूरती पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पर एक यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे रोड कैरेज भी इम्प्रूव होगा, अंडरग्राउंड डक्टिंग होगी केबल्स की, फुटपाथ्स को इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इंक्रीजिंगली अर्बन मोबिलिटी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वेयर इन द न्यूअर फ्यूचर, चाहे हम 5 साल 10 साल 20 साल की बात करें, तो हमें अपना शहर ऐसा बनाना है कि हम उसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाएं, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है शहर को और अच्छा बनाना। मैम, ओल्ड सिटी की बात करें, हमारा जम्मू ओल्ड सिटी बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पर नई चीज़ों को खास तौर पे उसको वाइडनिंग वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हेरिटेज भी बराबर बना रहे और वहाँ पे जो है ब्यूटीफिकेशन भी हो, उसको स्मार्ट भी बनाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? जो हेरिटेज की आपने बात की, तो उस एरिया में हम एक हेरिटेज ट्रेल का बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी तंग गलियाँ हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर हम ड्रेन को कवर करेंगे तो जगह रिट्रीव होती है। दूसरी चीज़ है, कई जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं रीअलाइनमेंट ऑफ पोल्स की, अंडरग्राउंडिंग के लिए वहाँ इतना विड्थ नहीं है, तो रीअलाइनमेंट से भी आप देखेंगे अभी पोल्स कहीं पे भी बीच बीच में लगे हुए होते हैं, उनको अगर एक सीध में लगाएंगे उससे ही काफ़ी जगह निकल आती है। मैम, हमने बहुत सारी जगहों में ये देखा है प्रोजेक्ट्स तो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, देन लोग भी कहीं ना कहीं उसमें कंसर्न नहीं दिखाते हैं उसको मेंटेन करने में, वही कंसर्न एजेंसीज भी कई बार कोताही बरत देती हैं जिससे उनकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। लाइव एग्जांपल हमारे पास विक्रम चौक फ्लाईओवर के नीचे की पेंटिंग्स हैं, उनकी वो काफ़ी पेंटिंग्स ख़राब भी हो गई हुई हैं, तो वैसा इन फ्यूचर ना हो उसको लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत किस तरह से सब प्रोजेक्ट्स को वॉच किया जाएगा? देखिए, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एज अ गवर्नमेंट हम प्रोजेक्ट्स की ना मेंटेनेंस के लिए फंडिंग और बजट प्रोविजन फ्यूचर में नहीं करते, करते हैं या तो इनएडिक्वेट होता है या हम उसको करेक्ट एलोकेशन नहीं कर पाते, वो एक चीज़ ज़रूरी है जो हमें देखनी पड़ेगी, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर की एडिक्वेट बजटिंग करें। और मैम, अगर हम साउथ जम्मू की बात करें, साउथ जम्मू में क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक साइकिल्स की भी शायद चर्चा चल रही है, तो कितनी संभावना है कि ये साउथ जम्मू में सक्सेसफुल करने के लिए इसके किस पॉकेट्स को आप लोग इस्तेमाल करेंगे और उससे ट्रैफिक में भी कह सकते हैं कि लोग ट्रैफिक में तो खैर आई थिंक कुछ टाइम लगेगा कि लोगों को आदत पड़ेगी, अभी तो लोग शौक के लिए चलाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाएंगे स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। जो स्टेशंस होंगे हमारे बाइक स्टेशंस वो अक्रॉस द शहर होंगे, हाँ, साउथ में भी नॉर्थ में भी। और मैम, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ स्मार्ट सिटी में रहेगा, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ी बात है, टूरिज्म होगा तो ही रेवेन्यू भी अच्छा होगा और तमाम बिजनेसेस हैं वो भी चलेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए क्या स्मार्ट सिटीज में चीज़ें रखी गई? देखिए, टूरिज्म के जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडरटेक्स, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ओवरऑल शहर को एक ऐसा लुक दें दैट आके एक फील गुड वो होता है। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू हेरिटेज पे फोकस किया है, हेरिटेज गेट्स हैं ओल्ड सिटी में उनको फोकस किया है।
है तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड इन डिटेल वी कैन टॉक सम अदर। धन्यवाद, शुक्रिया मैम। तो अभी थोड़ी देर में वर्टिकल स्मार्ट वर्टिकल गार्डन का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये पूरे सूरत हाल इस तरह से रहेंगे। बहुत सारे जम्मू से गुजरते हुए लोग यहाँ से देख भी चुके हैं किस तरह से प्लांटेशन हुई हैं। उसके अलावा वाटर कर्टन, ये आपको जो तस्वीर में दिखा रहे हैं हम, लाइव में ये कैसा दिखेगा आपको यहाँ नज़र घुमाइए ज़रा। ये पूरा वाटर कर्टन है, बहुत खूबसूरत। इससे ये पूरा ओल्ड फ्लाईओवर का नीचे का पोर्शन है वो हो गया है, और ऐसे वाटर कर्टन्स लगभग 3 जगह लगेंगे। साफ तौर पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये जम्मू की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, उसी की शुरुआत स्मार्ट वर्टिकल गार्डन से हो रही है, जो कि जम्मू शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा। और हमारी एजेंसी इन फ्यूचर इसकी मेंटेनेंस पर भी अगर खास ध्यान दें तो जम्मू की खूबसूरती जो है इस तरह से बरकरार रहेगी, और बाहर से आने वाले लोगों को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। विजयनिष्पम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।